ट्रिप का प्रोग्राम बने। हम लोग निकल रहे हैं कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से आगे टंडोल आया, टंडोल आया से जो है ना उस्मान शाह और फिर कलर शाह गांव। एक दोस्त है तो उसके गांव जाने जरा अभी, तो चलें आप भी साथ चलें इस ट्रिप में। हैदराबाद के रास्ते में है और क्या नाम है, आप कितनी देर का रास्ता है? 3.5 घंटे का टोटल रास्ता है। हमारे साथ दो बंदे और हैं, एक है अपना अकबर है और दूसरा है शुएब। हम लोग निकले हैं टंडो अलायार की सैर करने। टंडो अलायार बाईपास पे हम लोग रुके थे नाश्ते के लिए, देसी नाश्ता किया, चाय और पराठा। और अभी हम कहाँ जाएंगे आबिद? हम लोग जाएंगे कलर शांक उस्मान शाहवरी। कलर शांक उस्मान शाहवरी। अभी हम जाएंगे कलर शांक उस्मान शाह उड़ी। वो कितना, अभी कितना फासला? तकरीबन 12 किलोमीटर यहाँ से। 12 किलोमीटर? अच्छा, यहाँ से 12 किलोमीटर। वो पूरा गाँव बना हुआ ना? पूरा गाँव। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, तकरीबन 12 किलोमीटर का जो है ना वो रह गया है अभी, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं गांव में ना। इंशाल्लाह खेत वे थे टाइट वाले। टाइट मौसम कैसा होगा? मौसम ही आपके सामने, यही मौसम। अच्छा, यही वही वहाँ पर भी है सही, मतलब मज़े वाला है। मज़े वाला। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं गाँव में, मिलते हैं 12 किलोमीटर के बाद। पहुंच गए हैं ये टंडो अलायार से आगे कलर शाह। यार इसका एक तो मैं नाम बड़ा भूल गया था, कलर शांक गांव है जो हम लोग अभी जो है ना पहुंचे हैं। तकरीबन कराची से गालिबन 225 किलोमीटर का है ये फासला यहाँ का, और बड़ा जो है ना खूबसूरत जगह है। खेती कहते चारों तरफ भी देखें, बैक पे आप देख सकते हैं। हमें वैसे सिविक के अंदर आना था लेकिन खैबर को हम लोग लेके आ गए गांव के अंदर, क्योंकि इसका इंजन वगैरह बनाया था, तो हमने बोला कि यार ज़रा इसकी रनिंग वगैरह पूरी हो जाए, तो इसलिए हम लोग ये लेके आए। तो थोड़ा सा हम लोग फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरे गांव का जो है ना ड्रोन व्यू दिखाऊँगा ऊपर से। ये अकबर शाह साहब का डेरा बना हुआ है पूरा। Thank you.
है कि नहीं? बहुत यार। बताया टैग। अच्छा ये बता कि ये जो कौन सा उस्मान शाह, उस्मान शाह गोड़ी है, गोड़ की जो उमर शाह गोड़ी। अच्छा उमर शाह गोड़ी। तो ये बता कि यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या है? मशहूर चीज़ यहाँ है में ये तो आपको सिर्फ से ही बता देंगे। तो भाई क्या बोलते हैं आप, क्या चीज़ मशहूर है? हमारे शहर का चाय बहुत मशहूर। अच्छा चाय, कौन सी गुड़ वाली है, चीनी वाली? चीनी वाली। अच्छा चीनी वाली। तो क्या वजह है, मतलब चाय तो जैसे अपने उधर कराची में भी बंद है, तो इधर की मशहूरियात मतलब क्या वजह की? वजह यार ताज़ा दूध होता है, खालस दूध होता है। अच्छा ताज़ा दूध होता है, सही। और ये अपना जैसे अभी ये आम के फसल वगैरह भी जो है ना, आम वगैरह अभी लगे, तो ये कब तक अंदाजन तैयार हो जाएंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा? 2 महीना 1.5 महीना लगेगा। अच्छा 1.5-2 महीने लगेगा फिर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, सही। और जो गन्ने की फसल है अभी, कितना टाइम लग जाएगा? ये सर्दियों में तैयार हो जाएगा। अच्छा सर्दियों में, मतलब समझो 4-5 महीने है, 4-5 महीने उसके बाद पूरा तैयार हो जाएगा। तो फिर आप एक प्रोग्राम बनाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे सर्दियों में। फिर सर्दी में आएंगे फिर गन्ने वन्ने लेके जाएंगे साथ इंशाल्लाह। अच्छा मकई ही नहीं है यहाँ पे? मकई होता है बहुत कम में। अच्छा मकई तो ये लगाते हैं अपने, जैसा कि जानवर रहता हो तो उसके लिए लगाते हैं। अच्छा वैसे नहीं। और बाकी इसके अलावा फल फ्रूट में कोई चीज़ ज़्यादातर यहाँ पे लोग यहाँ पे लगाते हैं? केला लगाते हैं। अच्छा हाँ। तो अभी मतलब सीज़न नहीं है केले का? केले का तो सीज़न हर टाइम पे होते हैं। अच्छा कभी भी होते हैं। हाँ केला तो अभी लगा नहीं है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा केला जो है पीछे है। अच्छा वहाँ क्योंकि अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो काफ़ी सारे लगे। नहीं यहाँ पे भी है, जाएंगे इंशाल्लाह शाम को जाएंगे और केले भी आपको दिखाएंगे। अच्छा सही सही। अच्छा इसमें जो ज़्यादातर इधर का जितना भी केला है सिंध का ना, इसके जो है ना वो जो दरख्त है वो छोटे होते हैं, तो क्या इसमें लंबे भी होते हैं, तो क्या छोटे ये एक ही इसके कोई? नहीं यहाँ पे ज़्यादातर यही नस्ल होते हैं समझो, जो ये छोटा करके होते हैं। अच्छा यही नस्ल, सही सही सही। मतलब ये कि छोटे ही दरख्त में थोड़ी तौर पर फल लगना शुरू हो जाता है, तो ये भी फ़ायदा कि ज़्यादा बड़ा होने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। केले होते हैं बड़े बड़े केले होते हैं, तो शाम को जाएंगे आपको दिखाएंगे, केले भी दिखाएंगे, दरख्त भी दिखाएंगे। क्या नाम है जैसे ही जो नहर था जिसमें पानी था, ये अपना क्या नाम है मट्टी वाला है ना, तो साफ पानी वाला है कोई नहर जिसमें? जैसा कि कोई बोरिंग निकल, बोरिंग होते हैं जो, अच्छा ट्यूबवेल होते हैं ना, सही सही, उसमें से निकले तो साफ पानी निकलता। तो ट्यूबवेल है करीब में? अगर कोई चल रहा होगा तो अलग बात है, देखते हैं पूछताछ करते हैं इसके बारे में। वैसे है गाँव में जगह जगह लगे लगे क्योंकि मेरे को दादशाह बता रहा था, बोलते यार उधर है। जैसे कि अगर यहाँ पे पानी की किल्लत होते तो वहाँ पे चल रहा। अच्छा यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पानी, सही सही। कभी कभी ऐसा अगर बंद हो तो फिर होता है ना तो। अच्छा सही सही, क्योंकि गर्मियों में और ट्यूबवेल में नहाने का तो बड़ा मजा है, क्या बोलते हैं? वैसे ज़्यादातर गर्मियों में चलते हैं इधर। अच्छा गर्मियों में चलते हैं, सही सही। और क्या नाम है इसके अलावा क्या फल फ्रूट वगैरह लगती है यहाँ? जैसा केला हो गया आपका, ये क्या नाम है चीकू भी है? अच्छा चीकू भी होता है, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा जो मशहूर यहाँ का आम है। आम मशहूर है, आम सबसे ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो जाते ही सिंध से सारा आम। और गन्ना, उसके बाद गन्ना आता है या केला? गन्ना ही आता है उसके बाद, सर्दियों में गन्ना होता है, फिर उसके बाद जैसे कि फसल में फिर वो गन्ना आ जाता है सर्दियों में। अच्छा वो भी इसके साथ हम 6 महीने में वो होते हैं, साल में ये तैयार होते हैं, साल खाते हैं गन्ना। अच्छा 6 महीने में फिर वो गन्ना, जैसे कि आप कपास है, कपास बड़े हो गए तो उसको काट के फिर वो गन्ने में लगाए, तो कपास को भी तकरीबन 6 महीने लग जाए। 6 महीने मतलब हर फसल को तकरीबन 6 महीने लगते हैं। एक ही फसल है जो इसको साल इसको लगता है लगाने में, साल केले को लगता है। अच्छा साल गन्ने को, साल केले।